हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, तो ये आप में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा या फायदेमंद होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी माँ बनना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो माँ नहीं बन पाते हैं। तो आप अगर इस उपाय, ये ट्रिक या टिप्स को अपनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो दो तीन पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली महिलाओं के लिए, जब भी आप अपना माँ बनने के लिए प्लानिंग कर रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ संभोग करते हैं तो आपको तुरंत खड़ा नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे ही आपके वीड अंदर गया वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे नहीं करना है क्योंकि वो जो स्पर्म होता है वो बाहर आ जाता है, तुरंत खड़े होने से बाहर आ जाता है। तो आपको लेटा रहना है। आप अगर लेटे रहोगे तो बेहतर रहेगा, आप जल्दी माँ बनने के चांस आपके ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो है, इसमें आपका पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट लगता है। तो मिशनरी जो पोजीशन है वह बेहतर है। आप जब भी संभोग करें तो मिशनरी पोजीशन में करें, इससे चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके प्रेगनेंसी के। तो आप मिशनरी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है बाकी पोजीशनों के, तो आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं बट मिशनरी बेहतर है। तीसरा जो है टाइम, सुबह का जो संभोग होता है करीब 5 से लेकर 8 के बीच में, वो बेस्ट टाइम का होता है। उस टाइम पे पूरा रात भर हमारा जो ऑर्गन है वो स्लीप है, सुबह जब उठता है तो बेहतर काम करता है, तो इससे भी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि प्रेगनेंसी सबसे फास्ट काम कहाँ करता है, वो आपके ओवुलेशन पीरियड के टाइम पे। जिन महिलाओं को पीरियड आता है तो उसमें होता है एक ओवुलेशन पीरियड, उसमें जो एग होता है वो रिलीज होता है, और उस टाइम पे अगर आप कर लिए संभोग तो 90% चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत हाई होते हैं। लेकिन ओवुलेशन पीरियड आता कब है, उसका जो मेन पॉइंट है, आज समझो आपको पीरियड आया तो इसके 14वें या 15वें दिन उस बीच में रहता है। तो मोस्टली अगर आप 11 से लेकर 18 दिन के बीच में आप ज़्यादातर करें, उस बीच में आपका ओवुलेशन पीरियड मोस्टली रहता है, तो उस टाइम पे करेंगे तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो लोग माँ बनना चाहती हैं, बहुत दिन से ट्राई करती हैं, तो ये 3-4 स्टेप आप ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और प्रेगनेंसी के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी।